नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संजय महान आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि सीएससी क्लाउड का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जिसको अगर आप बीएलई हैं तो आपको री रजिस्टर करना अनिवार्य है। ये अपनी डेट कई बार बढ़ा चुका है। इस बार 15 नवंबर थी, जिसको बढ़ा के इसने 30 नवंबर कर दिया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन का वही प्रोसीडर है जो आप अन्य केवाईसी के लिए करते हैं। आपको रजिस्टर्ड सीएससी क्लाउड वाली जो लिंक ये आपके न्यूज़लेटर पे आती है, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उस पे जाकर आपको अपनी OMT ID और आधार डालकर सबमिट करना है, और जो कैप्चा दिया जाता है उसको, तो वो आप से eKYC करवाएगा। तो eKYC जैसा कि अन्य प्रोसीडर में तीन ही तरह की से होती है, या तो आप आईरिस कर लीजिए, या आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए, या OTP के माध्यम से आप eKYC सक्सेसफुल कर सकते हैं। जैसे ही आप सक्सेसफुल इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको ये एक कुछ जो जानकारी आपके आधार में है वो आपको पहले से भरी हुई दे देगा। इसके बाद से आपको कोऑर्डिनेट वगैरह सिलेक्ट करने हैं, वो आपके जो पोस्ट ऑफिस होगा उसके लोकेशन के अनुसार वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर आपको अपने सेंटर की इनर आउटर फोटो वगैरह, पैन कार्ड, अपनी फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करके, नॉर्मल प्रोसीडर है वो, आप समझ लेंगे क्या क्या है, तो उस सब को करके आपको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उस प्रमाण पत्र को आप प्रिंट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर होगा उसको आप सेंड कर दीजिए। क्योंकि यह करना आपको अनिवार्य है, नहीं तो जो सीएससी बता रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो 30 नवंबर अपडेट है उसके बाद से आपकी जो सर्विस है वो OMT ID डीएक्टिवेट हो जाएगी और आप कोई भी सर्विस का लाभ नहीं दे पाएंगे। तो ये करना अनिवार्य है। बार बार सीएससी कह रहा है कि इसको कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन जाने क्यों अभी तक कई लोगों ने नहीं किया, इसीलिए सीएससी को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है। तो आप, मैं आशा करता हूं कि आप जल्द ही इसको कर लेंगे, जिससे कि आपकी OMT ID पर कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने अन्य मित्रों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा आपसे एक और नई एक्साइटिंग और जानकारी से भरी हुई वीडियो में। जय हिंद।